हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में आपको एट्रीब्यूट और उसके टाइप्स क्या होते हैं डीबीएमएस में उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट का क्या मीन होता है। तो एट्रीब्यूट आर द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी की क्वालिटीज हो सकती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं किसी भी एंटिटी की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज को उसके एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली ऑब्जेक्ट होती है जिसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन ईयर डायग्राम एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ओवल। किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एट्रीब्यूट को एक ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंटिटी इन एंटिटी सेट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट। जिस एट्रीब्यूट के द्वारा किसी एंटिटी सेट में किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको हम की एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, नेम, DOB, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर, द एट्रीब्यूट विच डिफाइन एंटिटी टाइप स्टूडेंट। ये सब किसी भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टूडेंट के बारे में हमें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ कोई स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसकी कोई स्टूडेंट आईडी होगी, उसका कोई नेम होगा, उसका कोई मोबाइल नंबर भी होगा इस स्टूडेंट का। तो ये सब इसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं जो उस एंटिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट के और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिसमें से स्टूडेंट आईडी है जो सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। इस वजह से हम इसे की एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एट्रीब्यूट के इसके बाद हम टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट 6 टाइप के होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, स्टोर एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वे एट्रीब्यूट जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम हो सकता है, सैलरी हो सकती है किसी भी एम्प्लॉय की या किसी स्टूडेंट की, कोई भी पर्सन की हो सकती है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल एट्रीब्यूट आर द रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल ओवल इन ईयर डायग्राम। सिंपल जो सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं उनको सिंगल ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे सैलरी है, इसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का नेम है एंटिटी का, किसी का एंटिटी का एड्रेस है, तो ये फर्दर डिवाइडेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नेम है, उसको हम फर्स्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एट्रीब्यूट जो होते हैं, इस तरीके के एट्रीब्यूट, उनको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाई ओवल कनेक्टेड टू अनदर ओवल। कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसको हम, जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी ओवल से दूसरे ओवल को कनेक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन टेक ओनली वन वैल्यू फॉर ए गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। वे एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी के सेट में किसी एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू लेते हो, उसको हम सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे किसी भी एंटिटी की एज, जेंडर, रोल नंबर, ETC। जैसे कोई भी एंटिटी है, जैसे स्टूडेंट, तो उसकी एज तो एक ही होगी, उसकी मल्टीपल एज तो नहीं हो सकती। उसकी DOB भी एक होगी, जेंडर भी उसका एक ही होगा और रोल नंबर भी एक ही होगा। तो ये सब क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। कोई भी एट्रीब्यूट्स जो होता है किसी भी एंटिटी का, वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। फ्री एट्रीब्यूट जो किसी एंटिटी सेट में किसी एंटिटी के लिए मोर देन वन वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो उसके मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं, उसकी मोर देन वन ईमेल आईडीज हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिन्हें हम ओवल के अंदर ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं डबल ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ETC, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल इन ईयर डायग्राम। इसके बाद देखते हैं स्टोर एट्रीब्यूट। द स्टोर एट्रीब्यूट आर सच एट्रीब्यूट विच आर ऑलरेडी स्टोर इन द डाटाबेस एंड फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट इज ड्राइव इज कॉल्ड स्टोर एट्रीब्यूट। स्टोर एट्रीब्यूट वे एट्रीब्यूट होते हैं जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, जिनसे दूसरी वैल्यू को हम ड्राइव करते हैं। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ ए पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पर्सन DOB एंड प्रेजेंट डेट।
कोई भी पर्सन है, अगर हम उसकी एज निकाल ली है तो उसकी जो DOB हमारे डाटाबेस में पहले से स्टोर होगी उससे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, DOB क्या है, एक स्टोर एट्रीब्यूट है जो हमारे डेटाबेस में पहले से ही स्टोर रहती है, जिसके थ्रू हम एज को ड्राइव करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट आर द एट्रीब्यूट, दोज एट्रीब्यूट विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। वे एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव किए जाते हैं उन्हें हम ड्राइव एट्रीब्यूट किए जा कहते हैं, या डॉटेड एट्रीब्यूट इट्स रिप्रेजेंटेड बाई। जो ड्राइव एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें एज है, एज क्या है, एक ड्राइव एट्रीब्यूट है जिसे हमने DOB से ड्राइव किया है, तो ये क्या डॉट ड्राइव एट्रीब्यूट है। इस तरीके से एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट इज एट्रीब्यूट एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।